नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं दीक्षा पोर्टल पर। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत NEP शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आपको दीक्षा मॉडल पे 5 कोर्स दिए गए हैं, जिनको आपको 15 सितंबर 2024 तक पूर्ण करना होगा। तो कौन कौन से कोर्स हैं, आप उसमें किस तरह से ज्वाइन करेंगे और उस कोर्स को आप किस तरीके से पूर्ण करेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग के आदेश की। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा एक आदेश जारी हुआ, जिसके तहत NEP 2020 के तहत निर्धारित ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है वो 15 सितंबर 2024 को पूर्ण करने के संबंध में हुआ था, जिसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी CPD आधारित करना अपेक्षित है। 50 घंटे अनिवार्य हैं, जिसके तहत NCERT नई दिल्ली द्वारा ऑनलाइन 5 कोर्स राज्य के समस्त शिक्षकों को ये प्रशिक्षण हेतु 15/4/2024 से प्रारंभ किए गए, यानी 15 अप्रैल से ये प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिनके लिंक QR कोड भी संलग्न किए गए हैं आदेश में, जिसमें भागीदारी न करने वाले शिक्षकों को राजकीय परिलाभों से भी वंचित किया जा सकता है। इसलिए ये प्रशिक्षण कोर्स 15 अप्रैल से 15 सितंबर तक आपको पूर्ण करने होंगे। NEP 2020 के तहत ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स है वो 15 सितंबर तक आपको कंप्लीट करने में। सबसे पहले बात करते हैं CPD साइबर हाइजीन प्रैक्टिस पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस बेस नंबर 5, ये 5 घंटे का कोर्स है, इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित है। इसका लिंक ये दिया गया है, इस लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो सारे लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके सीधे इस कोर्स पर अपनी स्टाफ ID के द्वारा लॉगिन करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा कोर्स दिया गया है एनवायरमेंटल हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज से संबंधित बेस नंबर 4, ये भी 2 घंटे का कोर्स है, अंग्रेजी विषय संबंधित है। इसका लिंक भी ये है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीसरा कोर्स है एक्शन रिसर्च बेस 8 नंबर, जो कि 15 घंटे का कोर्स है, इंग्लिश विषय संबंधित है, ये लिंक रहेगा उसका। चौथा कोर्स CPD आधारित है कैश द रैन एंड बेस 4, इस ये भी 2 घंटे का रहेगा, जिसका लिंक ये दिया गया है। फिर पाँचवा है CPD कैश द रैन हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित बेस नंबर 3 का, 2 घंटे का समय रहेगा और ये रहेगा लिंक। ये सारे लिंक आप डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी कोर्स सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, इसमें सभी शिक्षक इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, तो ये सभी के शिक्षकों के लिए अनिवार्य करना होगा। तो ये 5 कोर्स दिए गए, जिसके आप लिंक डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप ऐप के माध्यम से इसको सर्च करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐप को ओपन करेंगे। जैसे आप ऐप ओपन करते हैं आपके सामने इस तरह से होम पेज ओपन होगा। यदि आपने लॉगिन नहीं किया है तो स्टेट विद सिस्टम के तहत आप लॉगिन कर देना है। लॉगिन किया हुआ है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ऐसा आइकॉन आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो आपके लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ कोर्स सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइप करना है सबसे पहले CPD और बाकी जो 5 कोर्स दिए गए, जिसका जो भी नाम है, साइबर पहले था साइबर प्रैक्टिस का, तो साइबर वाले का टाइप करना है साइबर, इतना लिख करके फिर आप सर्च करेंगे तो ये कोर्स आपको नीचे दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कोर्स यहाँ पे शो हो रहा होगा, CPD साइबर हाइजीन प्रैक्टिस पर्सनल डिजिटल से संबंधित है ये दिया गया है। इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको ज्वाइन कोर्स दिया गया है। जैसे आप ज्वाइन कोर्स पर क्लिक करेंगे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि बेस नंबर 5 का है। ये पूरी जो नाम दिया गया है अच्छी तरह से चेक करने के बाद इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि इस यहाँ पे काफ़ी कोर्स दिए गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त यहाँ पे शो हो रही है, हो सकता है 15 सितंबर तक इसको आगे बढ़ाया जाए, तो 31 अगस्त से इसको आपको लास्ट डेट से पहले ज्वाइन करना अनिवार्य है और 15 सितंबर तक आपको इसको पूर्ण करना होगा। तो इस पर ज्वाइन कोर्स करने के लिए ज्वाइन पे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाएगा और आपकी प्रोग्रेस वो 0% से शुरू हो जाएगी, और इस कोर्स को पूर्ण करने के लिए स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके इसको कंप्लीट करना होगा। तो ये कोर्स होगा। इसी तरह आप अलग अलग जो भी कोर्स दिए गए हैं यहाँ पे सर्च करेंगे और इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको कॉपी करके या पेस्ट करके भी आप सर्च कर सकते हैं, या उसके ऊपर सीधा क्लिक करके आप उस कोर्स के ऊपर पहुँचोगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, जिसमें अपनी स्टाफ ID के द्वारा लॉगिन करना होगा। तो इस तरह से सारे कोर्स आपको कंप्लीट करने होंगे, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा CPD आधारित शुरू कर दिए गए हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।